नमस्कार, मैं हूँ परिधि और आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं बिजासन माता इंदौर के। इंदौर के बिजासन माता मंदिर में विराजमान 9 देवीय प्रतिमाओं को तंत्र मंत्र का चमत्कारिक स्थान व सिद्ध पीठ माना गया है। वैष्णो देवी की मूर्तियों के समान ही यहाँ पर भी माँ की पाषाण पिंडिया है। पुजारियों का मानना है कि ये पिंडिया स्वयंभू है। ये पिंडिया कब से यहाँ पर प्रतिष्ठित है इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पुजारियों का कहना है कि ये पिंडिया यहाँ पर सैकड़ों साल से प्रतिष्ठित है और यहाँ के रहने वाले इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले पहल ये टेकरी होलकर राजघराने की शिकारगाह हुआ करती थी। एक बार शिकार खेलते हुए राजघराने के सदस्यों की निगाह इस मंदिर पर गई, तब 1920 में यहाँ पक्का मंदिर निर्मित कराया गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ मांगी मुराद अवश्य पूरी होती है। मंदिर प्रांगण में एक पवित्र तालाब भी है। इस तालाब में बड़ी तादाद में मछलियाँ हैं। मंदिर दर्शन करने आने वाले भक्तों की मान्यता है कि मछलियों को दाना खिलाने से पुण्य मिलता है और माँ उनकी मुराद जरूर पूरी करती है। मंदिर में हर नवरात्र को मेला भरता है। टेकरी के ऊपर से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के पास ही अन्य टेकरियों पर गोमटगिरी और श्रृंगारगिरी नामक पवित्र जैन स्थल है। यहाँ हर साल जैन मुनि चतुर्मास के समय आते हैं। कैसे जाए इंदौर के बिजासन मंदिर? इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी माना जाता है। ये देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा से मुंबई से जुड़ा हुआ है। आप देश के किसी भी हिस्से से यहाँ सड़क या रेल मार्ग से या वायु मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मंदिर इंदौर एयरपोर्ट से महज 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो ये थी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध देवियों में से एक बिजासन देवी। उम्मीद करते हैं आपको ये नवरात्रि स्पेशल सीरीज पसंद आई होगी और सीरीज देखने के लिए देखते रहिए धर्म खबरी और जुड़े रहिए खबरी के साथ। नमस्कार।